हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं इतनी खुश हूँ कि हमारे यहाँ पर कम से कम एक घंटा बारिश आई है और तीन दिन से ना रेगुलर थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही, पर आज कुछ अच्छी आई है तो इसलिए मन खुश है। क्योंकि बारिश आएगी तभी जाकर तो फ्रेंड्स ये हरियाली होगी, प्लांट होंगे, फ्रूटिंग होगी, अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलेगी। तो चलिए, टेरेस पर नीचे तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया, सावर वावर भी नहीं दिया आज तो, और सब बढ़िया है। देख लीजिए, सब हरे हरे प्लांट है। मुझे सबसे ज़्यादा टेरेस की टेंशन थी क्योंकि मेरे को सब्जियाँ बहुत ज़्यादा लेनी है, इसलिए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, बारिश ऐसी अच्छी हुई है कि मेरा कनेर का प्लांट है वो भी है ना दुख चुका है, मतलब झुक चुका है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ आपको और सेटल कर लेते हैं। और धूप निकल रही है अभी अभी, टाइम 5:30 ही बजी है और बारिश हो गई, इसलिए बहुत दिल को सुकून मिला है। ऐसे बारिश आती रहे और ऐसे हरियाली रहती होती रहे कि बिना पानी के और बिना पौधे के जीवन अधूरा है। तो क्योंकि पानी से ही बिजली बनती है और बिजली से ही दुनिया चल रही है, क्योंकि अपन बिजली बगैर भी नहीं रह सकते, ना पानी बगैर रह सकते। तो फटाफट से अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। बारिश इतनी तेज़ आई थी कि मेरा एक कनेर का प्लांट बिल्कुल ऐसा हो चुका है। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करूँगी इनको सबको। और ये देखिए, इधर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, ये देखिए नीचे। और बारिश के पानी में क्या होता है कि फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की कमी होती है तो खाद की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती अगर बारिश रेगुलर होती रहे तो। ये देखिए, अब जाके मेरी बेलें वगैरह बढ़ेगी। तो फिलहाल ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें जो इसके अंदर छाने गलाए थे कंडे जिसे, और इसका लिक्विड खाद बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मॉर्निंग में गलाया था, अब इसको मैं इन्हें जो पौधों में डालने जा रही हूँ, ये देखिए। और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ये देखिए। और अभी मैं डाल रही हूँ ये बैंगन के प्लांट में, ये देखिए। और बारिश अब नहीं आएगी क्योंकि फिर मौसम साफ हो चुका है, ये देखिए। ये देखिए, डाल दिया नीचे। और देखिए बैंगन की फ्रूटिंग, अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब ठहरने लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। इधर भी काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं आने को, इसमें भी डाल देते हैं, ये देखिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सब में डाल देती हूँ, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरे में भर लिया है। और अब मैं ले जाती हूँ थोड़ा, तो मेरा अपरजिता की बेल है, इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। और अब मैं डालूँगी मेरे करेले की बेल में, तो ये देखिए करेले की बेल में अब जाके है ना मेरी, अब जाके थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी हुई है। तो ये देखिए, अभी लिक्विड खाद ही काम करेगा, ये देखिए। थोड़ा थोड़ा डाल देते क्योंकि बारिश अच्छे से आई थी, ये देखिए। और ये चांदनी का है, और ये देखिए फ्रेंड्स, बेल तो छोटी है पर चल जाएगी धीरे धीरे, टाइम लगता है। और इधर है मेरे मिर्ची का प्लांट, इसमें भी डाल देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। थोड़ा मरोड़िया सा रोग लग रहा है, इसके अंदर नीम ऑयल के स्प्रे करूँगी मैं, तो ये डाल दिया है, देखिए फ्रेंड्स। आज मैंने मॉर्निंग में तीन गोभी की है ना जो पौधे, उनको मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो क्योंकि बहुत सारी पौध थी, एक टप में लगा रखी थी मैंने, तो मैंने बोला था फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे उनको ना शिफ्ट कर दूँगी, तो आज मैंने कर दिए। और आज छाया में भी रखी थी दिन भर के, और अब मैं ना थोड़ा छाया से हटा देती हूँ इधर, क्योंकि इनको रात को ठंडी वो मिल जाएगी और बारिश के पानी से बहुत ही अच्छा इनको एक टॉनिक मिल जाएगा। तो अभी तो अच्छी हेल्थ होगी है। और ये सुबह मैंने मॉर्निंग में जल्दी किया था काम को, या तो सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए या फ्रेंड्स शाम को इवनिंग में करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि एक पौध को मैंने एक बड़े वाले गमले में लगा दिए ये, और जैसे ये ना बड़ी होती जाएगी फ्रेंड्स, इनको मैं सबको शिफ्ट करती जाऊँगी। और देखिए, और इसके बीच बीच में मैंने पालक लगा दिया है ये, क्योंकि फ्रेंड्स हमें ना पालक इसमें भी लगाया था मैंने, कल रात को लगा दिया था। और ये देखिए, इसमें इतना पास पास हो रहा है तो मैंने इन्हें इनको आसानी से जड़ से निकाल कर और अच्छे से इनमें लगा दिया। ये देखिए, टप में भी लगाया है मैंने। और फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़्यादा इसलिए लगाया क्योंकि जो चलेगा वो चल जाएगा, और पालक तो जितना दूर होगा उतना अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं क्लिप लगा दूंगी मैंने कैसे लगाया है, और कल रात को लगा दिया था मैंने ये, पर ये कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस वजह से। ये देख लीजिए, ये मेथी है, ये पालक है, और ये गोभी, इसके अंदर मैंने पालक लगा दिया है।
और धीरे धीरे से इनकी ग्रोथ होती जाएगी। और एक पौध इसमें शिफ्ट कर दिए, एक इसमें कर दिए, तीन पौध लगा चुकी हूँ मैं। और धीरे से मैं धीरे धीरे फ्रेंड्स मैं रेडी कर रही हूँ इनके लिए ग्रो बैग वगैरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पालक लगा हुआ है, और मैं ना जो एक छोटा सा टप है इसमें कुछ पालक है ना जो मैं जड़ समेत है ना जो निकाल कर इसमें शिफ्ट करूँगी। और सुबह मॉर्निंग में मैंने किया था, तो ना अभी ना मौसम बिल्कुल सही हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो कुछ उसमें लगाया और कुछ इसमें लगाया है, जितना चलेगा जितना चल जाएगा। पर ये देखिए लग जाता है, बिल्कुल सेफ्टी से लगाते हैं ना, तो ये भी एक तरह से पौधी होती है। तो मैं इसमें से निकाल रही हूँ, और जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा है ना जो गहराई में है ना फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे निकालना है और इसको हल्के से है ना जो दबा देना, और रात भर का टाइम मिलेगा इसको। और बिल्कुल मिट्टी है ना जो पोषक तत्वों से भरी होनी चाहिए, जैसे एक भाग है ना मिट्टी, एक भाग है ना जो गोबर की खाद और थोड़ी सैंड वगैरह है, और नीम खली है, इधर से थोड़ा कोकोपीट भी मिला रखा है फ्रेंड्स मैंने मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। तो ये देखिए ऐसे निकाल के और मैं लगा रही हूँ, और लग जाएंगे क्योंकि मौसम फिलहाल काफ़ी अच्छा है और रात का टाइम है। तो ये देखिए, और फ्रेंड्स मैं तो लगा लेती हूँ तो मुझसे चल जाते हैं ये देखिए, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, दो 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 तीन तीन लगा देते हैं क्योंकि बहुत पास पास लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये देखिए और पालक के लिए चाहिए थोड़ा ठंडा तापमान, जब जाके ये तेज धूप में इन्हें नहीं चलता फ्रेंड्स। तो अब ये सर्दी आ रही है, तो फ्रेंड्स अब पालक मेथी गाजर मूली ये चीज़ें सारी लगाएंगे। तो ये देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना इतना लगा दिया, और अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं फटाफट से इसमें बीच बीच में से निकाल लेती हूँ जहाँ पर ज़्यादा ही घना हो रहा है ना। ये देखिए ऐसे बिल्कुल धीरे से, ये देखिए, और दो दो तीन तीन लगा रहे हैं क्योंकि ताकि जो रहेगा जो रह जाएगा और जो चलेगा जो चल जाएगा अच्छा। तो ये देखिए जैसे धान की रुपाई होती है तो वो भी पौध लगाई जाती है, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स पानी डालते हैं, और ये रात भर में पालक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए पालक लग चुका है, और फ्रेंड्स इनका लगाने का तरीका यही है कि अगर आप लगाना चाहते हो ऐसे तो रात को लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिन में तो बहुत उससे सेफ्टी से रखना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने पालक लगा चुकी हूँ, और अब चलते हैं फ्रेंड्स नीचे। और ये देखिए इधर मेरा पुदीना भी लग चुका है, तो ये दो चीज़ लग चुकी है। तो चलिए नीचे, अरे एक टॉपिक पे है ना जो वीडियो नहीं होता क्योंकि मैं मिक्स वीडियो बनाती हूँ, मैं सारा ही है ना जो गार्डन का काम एक साथ ले लेती हूँ, छोटा मोटा काम बहुत सारा करना पड़ता है इसलिए। और अभी है ना फ्रेंड्स कुछ बेल वगैरह ये जो रस्सियाँ वगैरह हो रही है इधर उधर, तो इनको ठीक करना है क्योंकि ये झूल चुकी है बारिश की वजह से, तो अब इनको ठीक करना है। और देखिए लटक चुकी है, तो इनको मैंने एक एक बेल को अलग अलग तरीके से वो कर रखा है। और ये देखिए अब जाके इनमें फ्रूटिंग अब हुई है स्टार्ट, तो अब देखिए कितनी फ्रूटिंग ले पाती हूँ मैं, कितनी क्या है, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पर बारिश बहुत लेट आई है इस वजह से। तो देखिए इनको थोड़ा सा बांध देती हूँ। देखिए फ्रेश में नीचे आ चुकी क्योंकि थोड़ी हल्की बारिश आने लग गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। और फ्रेंड्स फ्लोवर लेके आई हूँ, और अभी मैं सब्जियों की काट लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कल है ना ये नाइटी बनाई थी और मैंने पहन लिया, और मैं है ना जो मतलब सब आता है मुझे सिलना, सूट वगैरह सब सिलना आता है, पर अभी एक ही गार्डनिंग करती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी इस बार तो मैंने ना मार्केट से लेके आई थी सब, कोई का गला इधर जा रहा है, कोई का गला इधर जा रहा है, तो इस बार मैंने ना कपड़ा ला के खुद नहीं सिली है, तो मेरी बेटी दिखाएगी मुझे कैसे लग रही है। और देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा घेर आ चुका है, और मार्केट से लेके आते हैं ना और मैं इतना घेर नहीं होता, घर पर सिलते हैं ना, और ये मैंने तीन मीटर कपड़ा लिया था उसमें से आराम से सिल चुकी है मेरी ये। देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाऊंगी मूली की सब्जी, और मैंने इन्हें मूली है ना जो बीज डाल दिया है, और मूली के बीज भी है ना जैसे
मूली के बीज है ना, जैसे राई होती है, राई से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे बाजरे के दाने होते हैं, तो वो उग चुके हैं। और जैसे ही है ना जो बड़े होते जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। आज दिखाना भूल गई क्योंकि बारिश आने लग गई थी, तो मूली भी मैंने गई साल लगाई थी, बहुत अच्छी लगती है घर की मूली। और एक एक तोड़ के निकाल के खाते ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्ट आता है। तो अभी है ना मूली की सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज क्या मतलब मूली की सब्जी भी है ना, जैसे किसी भुजिया बनाई जाती है, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। इसलिए रिप्लाई कर मतलब इस चीज रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने कुकिंग भी करी थी, और कुकिंग का मुझे काफी शौक है, पर मेरे जो गार्डन से निकलती है ना उस चीज को मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो अभी फिलहाल ये मार्केट की सब्जी है, और खास मूली अभी आ नहीं रही है, और बस इतना ही है। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।